इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एमजे अकबर साहब। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, इमरान खान संसद में पहुंचते हैं, वो अविश्वास प्रस्ताव आता है लेकिन वो भी मंजूर नहीं होता है। कहा जा रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि संसद की गरिमा और संविधान का अपमान किया है, कैसे देखते हैं सर इसको? मैं देखिए, ये पाकिस्तान की जो समस्या है, पाकिस्तान की समस्या है, ना सिर्फ वहाँ के संसद की समस्या है जी। वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ की जो राजनीति है, उसमें एक डेमोक्रेसी का जो एक रोल होना चाहिए, वो शायद वहाँ के राजनीतिज्ञ जो पॉलिटिशियन हैं, जो सरकार में रहें, उनके समझ के बाहर की बात है जी। क्योंकि वो जब सत्ता में आते हैं, समझते हैं कि भाई अब जिंदगी भर के लिए सत्ता हो गया जी। या पूर्वजों के लिए सत्ता आ गया, या मतलब ये इतना तो मानना पड़ेगा कि अगर आप डेमोक्रेसी में हैं तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो पार्लियामेंट होती है। आज हम आपके सामने पार्लियामेंट के सामने खड़े हुए हैं। बिल्कुल, पार्लियामेंट को अधिकार होता है कौन सरकार रखे, कौन सरकार। हमारे देश में भी हुआ है, आपने कई बार देखा। लेकिन सर, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो इमरान खान जिस तरीके से जो है यूएस के विरोधी बयान दे रहे हैं, यूएस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या चीन और रूस के करीब आने की कोशिश है सर? और करीब आना बहुत दूर की बात है, पहले तो अपने आप को, अपने पैर को ही संभाले। नहीं सर, पाकिस्तान एज अ नेशन अगर बात करें, तो क्या पाकिस्तान की रणनीति है कि चीन को और ज्यादा करीब आओ, रूस का विरोध करके? देखिए, वो एक झटके में नीति नहीं बनती जी। एक स्टेटमेंट से नीति नहीं बनती है, ये जरा सी इमेच्योरिटी है कि समझना कि एक झटके में और एक स्टेटमेंट में हमारी जो है किसी देश के साथ नीति बनती है। ये बहुत ही लंबा एक चक्र होता है जी। तो सर, भारत को क्या सचेत रहने की और ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जो है चीन पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा है, खासतौर पर इमरान के? अभी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है जी कि हमें हिंदुस्तान में, हमारे भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। और ये जो है शायद इमरान खान ने इतने साल रहे वो नहीं कर पाए। जहाँ तक आर्मी चीफ भी पाकिस्तान के समझते हैं कि हम बात उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान टेररिज्म ना छोड़े जी, आप अमन का माहौल लाओ फिर अमन की बात होगी। अमन का माहौल लाओ फिर अमन की बात होगी, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदरूनी जो है लड़ाई चल रही है या आसिस्ता है, पहले उसको दूर करे। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज, दिल्ली। पंजाब ते पंजाबियों दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।